हिमाचल की हमीरपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय एमएलए आशीष शर्मा शुक्रवार को दो बार शिमला के बालूगंज पुलिस थाना में पेश हुए हैं। उन्हें कल दोबारा थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। इस दौरान आशीष शर्मा ने सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। जो कंप्लेंट है वो एफआईआर यहां पे प्रशासन द्वारा की गई है। दो विधायकों ने ये कंप्लेंट की थी, अवस्थी जी ने और भुवनेश्वर गौड़ जी ने, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मैंने पहले भी बयान दे चुका हूँ कि इस तरह जो इन्होंने झूठी ये कंप्लेंट की है, माननीय हाई कोर्ट में जाऊंगा और उनके ऊपर डिफेमेशन का केस भी करूंगा, और जो भी अधिकारी इस तरह से जो बिना मतलब से प्रताड़ित कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में खड़ा करूंगा इनको। देखिए, प्रदेश में वैसे ही सारी जो व्यवस्था है चरमरागी है। जो ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा है, ये व्यवस्था पहले बुरी तरह से चरमरागी गई है और यहाँ पे हालात खराब हैं। परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास और सरकार के पास कुछ भी बोलने के लिए रहा नहीं है। चुनाव डिले किए जा रहे हैं, विधायकों के रेजिग्नेशन जो है वो षड्यंत्र से एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं ताकि चुनाव साथ में ना हो। चुनावों से डरे हुए हैं। 6 सीटों पे चुनाव घोषित हुए हैं, वहाँ पे 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार रही है और उनको पता है कि ये सरकार जाने वाली है। जैसे ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार भाजपा की बनेगी, साथ में ही यहाँ पे भी सरकार भाजपा की बनेगी। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।